अगर पहले ही निकले हुए तो फिर उनको हम इग्नोर करेंगे और अगर नहीं निकले थोड़े बहुत रहे थे वो जो है ना हुआ हम लाजमी से निकालेंगे तो अब सबसे पहले हम आते इधर अगर हम बातचीत करें भाई सिल्वर पिगमेंट से रिलेटेड ज़्यादातर जो है ना हमें इधर क्रेट्स के अंदर जो है ना देखने को मिल जाते हैं अगर कोई क्रेट वग़ैरह हम खोलते हैं ना चाहे वो सप्लाई हो क्लासिक हो या फिर कोई और क्रेट हो ठीक है और फिर उसके बाद अगर हम बातचीत करें भाई इधर की इधर जो है ना इसके अंदर अगर मैं ये चीज़ें परचेस करना चाहूँ तो भाई मेरे पास इतने नहीं है क्योंकि मेरे पास टोटली साठ हजार तक या फिर सिक्सटी फाइव थाउजेंड कुछ ऐसे ही बन जाते हैं टोटल सिर्फ पेमेंट्स तो अब दूसरे अकाउंट पे मैं जाता हूँ जो मेरा दोस्त का है उसके अकाउंट में जो है ना वही गर्भर के पड़े ठीक है तो उसके थ्रू जो है ना हम निकाल सकते हैं इस शॉप के अंदर सारे के सारे आइटम्स ठीक है मेरे अपने अकाउंट में नहीं दूसरे अकाउंट में तो उनको जो है ना बाद में हम चिकआउट करेंगे तो इनमें से अब एक चीज लजमी से तुम लोग याद रखना अगर किसी बंदे के पास सीजन में भाई तीन चार हज़ार होते सिल्वर पेगमेंट्स वो इन पे ना लगा ठीक है इससे पहले जो है ना वो जो क्लासिक के स्क्रैप गुपन होते या फिर जो प्रीमियम के स्क्रैप गुपन होते वही उठा वो जो है ना वो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होता है इन चीज़ों के जो है ना हम इस टाइम पर इग्नोर कर सकते हैं अगर फ्यूचर में कभी भी हमें इतने सिल्वर पेगमेंट्स देखने को मिल गए फिर सारे के सारे हम एक साथ परचेस करेंगे कोई इशू ही नहीं ठीक है तो अब सबसे पहले तुम लोगों ने वही चीज़ देखना है कि भाई आपके पास सिल्वर पेगमेंट्स कितने पड़े और वो कमेंट सेक्शन में भी बताना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है सबसे पहले इधर से जो ये वाले आइटम हमें देखने को मिलते हैं डेली ये भाई सीजन के हिसाब से जितने भी आपके पास सिल्वर पेगमेंट्स पड़े वो इधर से उठाते रहो डेली ठीक है कुल मिलाकर एक आप लोगों के सिल्वर प्रेगमेंट्स इधर लगेंगे मगर अगर किसी के बंदे के पास भाई कुछ ज़्यादा इलाकों में पड़े ना तो फिर वो बंदे जो है ना सिल्वर पेगमेंट्स का जो शॉप है ना वो पूरा कपड़ा फिर ले सकता है तो एक जो ना हमें इधर से भी देखने को मिलते हैं ठीक है इधर तो इतने हैं ही नहीं मगर इधर जो है ना लेजेंडरी इपिक और जो इसके मिथिक आइटम है ना वो हमें इधर देखने को मिल जाता है तो अब मेन चीज जो है ना इसका मिथिक आइटम ही होते हैं तो उसके बाद हम आते हैं इधर इधर जो ना है ना बीपी के थ्रू हमें डेली जो पाँच हज़ार रुपये देखने को मिलते हैं ये पाँच होते हैं अगर किसी बंदे ने निकाली या फिर किसी बंदे के पास कुछ ज़्यादा ही कम है क्या तो इधर से निकाल सकते हैं मगर इसके ऊपर जो है ना कुल मिलाकर पाँच हज़ार आपकी बी पी करंस लगेंगे ये चीज लजमी से याद रखा तो अब मेन चीज़ में तुम लोगों को बताता हूँ अगर किसी बंदे का आपकी मितिक निकलता है चाहे वो आरपी क्रिएट से हो या फिर किसी और क्रिएट्स से तो सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलते हैं भाई वो होते हैं मितिक्स के ठीक है अगर कुछ ज़्यादा ही ओल्ड मितिक है तो उसके जो है ना ये जो है ना ये रॉयल पास वाले इसके कम है हमें इधर देखने को मिल जाते हैं अगर कोई ज़्यादा ही ओल्ड मिथिक हो ना या फिर क्रेट वाला मिथिक हो तो उसके जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सेवल फ्रेगमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं तो अब इधर टोटली अगर मैं हिसाब करूँ तो कुल मिलाकर सिक्सटी फाइव थाउजेंड मेरे पास बन जाते हैं टोटली इतने नहीं होते और एक जो है ना सीजन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं तो अब अगर किसी बंदे ने इधर से नहीं उठाए तो ये भी आप लोग उठा सकते हो कुल मिलाकर टू थाउजेंड मिल जाते हैं दो हज़ार हमें मिलते हैं हज़ार सीजन टोकन पे। तो अभी भी आप लोग उठा सकते हो और एक चीज लाजमी से याद रखना सबसे पहले इसके वेपिन में अगर आप लोगों ने नहीं उठाई जो इधर जो है ना इसके शॉप के अंदर हमें देखने को मिलते हैं अगर आप लोगों ने ये नहीं उठाए तो ये लाजमी से उठा लेना तो अब इस टाइम पे मैं आ गए वेक्टर के अकाउंट पे तो अब वेक्टर के अकाउंट में इस टाइम पे वेक्टर तो नहीं विकी का अकाउंट है इसने जो है ना नाम वेक्टर रखा है तो अब इसके अकाउंट में सप्लाई का क्रेड ओपनिंग हम करने वाले थे मगर इजी करेंसी पड़ी है क्रेडिट्स नहीं पड़े तो उसको जो है ना हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इजी करेंसी इसके ऊपर लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है ठीक है तो अब आती है इसके सिल्वर फ्रेगमेंट्स में आप लोगों को बताता हूँ कि भाई हे कितनी दिखाता हूँ कुल मिलाकर दो लाख साठ हज़ार पाँच सौ बाईस पड़े ऊपर आप लोग चिकआउट कर सकते हैं ठीक है और इधर अगर हम डिसमेंटल के अंदर देखें ना डिसमेंटल के अंदर हमें इतने देखने को नहीं मिलेगा अगर इसमें देने डिसमेंटल नहीं किए होंगे तो फिर अब इधर देखो इस तरह शायद ये पहले डिसमेंटल कर रहा होगा इस टाइम पे जो है ना सोलह हज़ार इधर पड़े और ये जो है ना भाई वही टाइम लिमिटेड आइटम है ये जो है ना फिर से बीपी करेंसी पे कन्वर्ट हो जाते हैं इसकी भी कहानी इधर से होगी क्लियर तो अब आते हैं भाई इसके शॉप के अंदर हम चिकआउट कर लेते हैं कि शॉप के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है तो अब इधर शॉप के अंदर अगर हम देखें ना एक जो ना बीपी शॉप भी होता है और एक जो ना सिल्वर शॉप होता है तो इनमें से जो बीपी शॉप है अगर किसी बंदे ने प्राइम प्लस परचेस किया उनको जो है ना ये वाले आइटम परमानेंट देखने को मिलेगा इनमें से फिर आपने जो भी उठाना है ठीक है फिर आप बीपी करेंसी पे उठा सकते हो परमानेंट मगर जो है ना भाई लाखों की हिसाब है ठीक है अब सिल्वर फ्रेगमेंट का सीन क्या होता है ये भाई थाउजेंड तक होता है मतलब दो हजार तक या फिर तीन हजार तक महंगा स महंगा इसका होता है या फिर तीन हजार पांच सौ तक होता है उससे ज्यादा नहीं ठीक है तो इसके अंदर अगर मैं डिपॉल्ट करूँ तो इसके अंदर जो है ना कुछ कुछ आइटम जो हमने

तो सिल्वर पे भाई परचेस करने का कोई फायदा तो है नहीं मगर फिर भी अगर कोई बंदा इसके आइटम कलेक्शन के लिए उठाना चाहते हैं तो उन बंदों के लिए भाई ये चीजें सही होते हैं और इसका जो है ना एक अचीवमेंट भी होता है बदकिस्मती टाइम लिमिटेड परचेस कर लिया परमानेंट इधर से करना है तो अब थर्ड वन जो है इसका परमानेंट होता है अगर किसी पे बंदे नहीं निकालना है सिर्फ सिरपोर्ट थर्ड वन पे ही आप लोगों ने क्लिक करना है तो इधर लिजेंटरी आइटम इतने नहीं है कुल मिलाकर तीन पड़े और सारे के सारे बंदी नहीं निकाले मतलब इस शॉप के अंदर जहां तक मुझे लग रहा है दो सौ प्लस या फिर तीन सौ तक कुछ ऐसी आइटम पड़े टोटली ठीक है तो आप बंदे ने जो है ना सारे के सारे निकाले हुए इतने हो सकते हैं कि नहीं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और इधर जो इपिक आइटम है ना वो सारे के सारे परचेस नहीं है तो अब मैंने सोचा कि चलो भाई इपिक का जो है ना पूरा का बेड़ा ही हम गर्क कर देते हैं तो अब इधर मैं लग जाता हूँ सारे के सारे इधर से परचेस कर लेता हूँ अब इधर जो है ना हम ज्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अगर आप लोग डिफॉल्ट करते हो तो फिर सारे के सारे जो आपके परचेस नहीं है वो चीज़ें ऊपर आते हैं ठीक है और फिर उसके बाद आप लोगों ने परचेस पे क्लिक करना है और इसका थर्ड वन मतलब जो इसका महंगा से महंगा होता है वो वाला आप लोगों ने परचेस करना है फिर उसके बाद आप लोगों को ये वाले आइटम परमानेंट देखने को मिल जाएंगे तो इस टाइम पे इधर सिर्फ और सिर्फ इप आइटम ही रहते थे लीजेंटरी को मिलाकर दिन पड़े थे दो वेफन थे और एक सेट वाला था जो इसने परचेस नहीं किया था और सारे के सारे इधर इपिक आइटम पड़े तो मैंने सोचा कि चलो भाई इपिक को ही परचेस कर लेते हैं और फिर पूरा का पूरा इसका सिंक क्लियर हो जाएगा तो अब अक्सर बंदे यही पूछेंगे कि भाई कितने सिल्वर प्रेगमेंट्स इसके ऊपर लग जाएंगे मतलब पूरा का पूरा शॉक परचेस करने का ठीक है आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है तीन लाख तक लग सकते ठीक है तीन लाख तक लग सकते आप लोगों के सिल्वर पेगमेंट्स उसके बाद ये सारे के सारे आइटम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे तो इनमें से अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी पड़े वो जो है ना वो अलग हो गए और अगर नहीं पड़े सारे के सारे आप लोग उठाना चाहते हो तो फिर कुल मिलाकर तीन लाख तक आप लोगों के सिल्वर प्रेगमेंट्स लग सकते हैं इनके ऊपर तो इनमें से जो है ना इसके लास्ट में होते हैं पराशूट के पैराशूट वगैरह ठीक है अगर आप लोग परचेस लेते हो जो आपके पास ऑलरेडी पड़े वो जो है ना फिर पैराशूट के नीचे आएंगे ठीक है और अगर आप लोगों ने परचेस नहीं किए थे वो सारे के सारे पैराशूट के ऊपर आएंगे और इनमें से अगर आप डिपोर्ट करते हो फिर सारा का सारा सीन जो है इसका क्लियर हो जाता है जो वो परचेस नहीं हो सारे के सारे आइटम जो है ना फिर ऊपर हमें देखने को मिल जाते हैं तो इनमें से अब कोई ऐसा चीज़ रह नहीं गया मगर मैं एक और चीज तुम लोगों को बताता हूं कुल मिलाकर साठ हजार तक हमारे इधर लगे भाई इधर एपिक तीन हम जो है ना हमने लीजें आइटम निकाले वो सारे के सारे जो है ना एपिक है ठीक है तो अब इनके ऊपर कुल मिलाकर साठ हजार तक सिल्वर फ्रेगमेंट लग गए तो आप लोग इधर चिकाउट कर सकते हो कुल मिलाकर तीन चे... सात आठ आठ तक जो है ना ये वाले सेट हमें देखने को मिले एक जो है ना इसके अंदर वो टाइम लिमिटेड था वो गलती से मैंने पहला वाला ही परचेस कर लिया थर्ड वन जो है ना आप लोगों ने परचेस करना है फिर परमानेंट देखने को मिल जाता है और उसी के साथ साथ इधर हेड भी थे हेडगेर भी हमें देखने को मिले थे अब एक और चीज जो शायद मैं भूल चुका हूँ या फिर फिर भी मैं चेकआउट करूंगा कि इसके वेपन वगैरह अलग से ही हमें देखने को मिल जाती है कि नहीं अगर मिल जाते थे तो फिर और वीडियो के अंदर इनशाला वो चीज़ भी हम कवर करेंगे ठीक है वेपन के अंदर जो है ना हमें कुछ और वेपन भी सिल्वर प्रेगमेंट्स पे देखने को मिल जाते हैं तो इनमें से हेड गेयर के अंदर कुछ खास नहीं था और इधर मास्क के अंदर कुल मिलाकर चे मास्क हमें देखने को मिले और एक जो है ना ये वाला जो शर्ट के अंदर आता है और फिर उसके बाद एक जो है ना बैकपैक हो गया और फिर उसके बाद कुछ खास तो यह नहीं वेपन के अगर हम बातचीत करें एक ये वाला वेपन है और एक जो है ना क्यों बिजी होगी और एक मेली वेपन का मिला था ठीक है और एक जो है ना एक और ए आर वे हमें देखने को मिला था मेरी वेफम के कुल मिलाकर तीन हमें देखने को मिल चुके हैं तो ये इसकी पूरी की पूरी कहानी है और ये रही भाई साहब हमारी आज की सिंपल सी वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक तम साहब जरूर दे, दे देना और अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर देना और अगर चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब भी करो बिल नोटिफिकेशन के साथ साथ तो इन हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हम भी दोनों में याद रखना अल्लाह हाफिज़